बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं उठ रहा हूँ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि हर दिन हर साल हम आपके लिए पांच बड़ी खबरें लेकर आते हैं बहुजन समाज की। वो पांच बड़ी खबरें जो दिन भर आपके लिए जानना जरूरी होती है, वो पूरी पूरी हम पूरा विश्लेषण के साथ लेकर आते हैं। आज की पांच बड़ी खबरें क्या है उसी पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। और आपको बता दें कि आज की पांच घटना बड़ी घटित हुई है कि हरियाणा के अंदर एक घटना इस तरीके की सामने आई है जिसके दौरान तीन दबंग लोगों ने दलितों के घर में घुसकर मारपीट की और उनमें आपको बता दें कि एक जवान है वो दिल्ली पुलिस का कार्यकर्ता भी है। इधर अगर आपको बता दें कि दूसरी बड़ी घटना सामने आई है उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहां पर दलित छात्रों को सरकारी स्कूल के अंदर जो मिड डे मील का खाना मिलता है वो अलग से दरी बिछाकर बिठाया जाता है, यानी बर्तन भी दलितों के छात्रों को अलग से अपने घर से लाने पड़ते हैं। इधर तीसरी बड़ी घटना आपको बता दें कि वेलोर से आई है जो कि तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में एक घटना इस तरीके की आई है कि जहां पर दलित युवक का पैर एक सर्वण जाति के व्यक्ति के टच होने की वजह से, ओबीसी जाति के टच होने की वजह से उस युवक को ना केवल मारा पीटा बल्कि उसकी दो बाइक भी जला दी और दलितों की बस्ती के अंदर मारपीट की घटना सामने भी आई। चौथी बड़ी घटना आपको बता दें कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर मामले को लेकर अब दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुजन समाज की तरफ से आंदोलन शुरू कर दिया है और इसके अलावा देश भर में भी अभी तक इस मामले को लेकर प्रदर्शन जारी है। इधर पांचवी बड़ी घटना आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने हर राज्य के अंदर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो आज की ये पांच बड़ी खबरें विस्तार से हम आपको खबरें बता देते हैं। खबर हरियाणा की, सबसे पहले आपको बता दें कि हरियाणा के सोनीपत जिले में गनोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नयाबास गांव के अंदर तीन दबंग जो कि शराब के नशे के अंदर दलितों के घर में घुसे, ना केवल उन्होंने महिलाओं के साथ रेप करने की कोशिश की बल्कि महिलाओं के साथ भी उन्होंने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। घर में घुसकर मारपीट की, दलितों के कई लोगों को भी उन्होंने पीट डाला। इसके आपको बता दें कि इनमें से एक आरोपी जो है वो दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल भी है, अंग्रेज उसका नाम है, और आपको बता दें कि उन्होंने दलितों के घर में घुसकर मारपीट की और महिलाओं के साथ भी अभद्रता की घटनाएं सामने आई। और अभी तक आपको बता दें कि आरोपी जो है वो फरार चल रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। दूसरी बड़ी घटना आपको बता दें उत्तर प्रदेश के बलिया से आई है जहां पर एक सरकारी स्कूल के अंदर बहुजन समाज के जो दलित समाज के छात्र होते हैं उनको खाने के लिए जो बर्तन है वो मिड डे मील के दौरान जो खाना मिलता है उस खाने को खाने के लिए अपने घर से बर्तन लाने पड़ते हैं, दरी बिछाने के लिए भी अपने घर से लेकर आनी पड़ती है, यानी उनको जाति के आधार पर अलग बिठाकर ही खाना खिलाया जाता है। तो इस भेदभाव के वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश तो दे दिए हैं बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने भी इस मामले के अंदर ट्वीट करके सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। इधर आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के एक नेता मदन कुमार वहां पर पहुंच गए थे और उसी दौरान जिला अधिकारी जो होते हैं डीएम जिला कलेक्टर भी वहां पर पहुंच गए थे। उसके बाद डीएम और बसपा के जो नेता थे उनके बीच तीखी बहस भी हुई और कलेक्टर ने बसपा के नेताओं को काफी कुछ बुरा भला भी कह दिया। तीसरी बड़ी घटना आपको बता दें कि वेलोर जो कि ये तमिलनाडु के अंदर वर्तमान में दलितों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं काफी ज्यादा भारी तादाद के अंदर सामने आई है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति को तोड़ने का मामला हो, चाहे उससे पहले दलितों के एक शव को नीचे रस्सी से बांध कर नीचे उतारने की घटना हो और उसके बाद अब ये घटना। आपको बता दें कि तमिलनाडु के वेलोर के अंदर बस में भीड़ के दौरान, जो भीड़ होती है उसके दौरान एक दलित जो छात्र होता है जो स्कूल जाता था सुबह शाम, उसका पैर एक यादव जाति जो ओबीसी में आती है उसकी टच होने की वजह से उसके ना केवल दलित छात्र को पीटा बल्कि उसके घर के अंदर खड़ी बाइक को भी चला दिया। आपको बता दें कि दोनों एक ही गांव के हैं, आरोपी और पीड़ित, और आपको बता दें कि जो पैर टच होने के बाद लड़के ने अपनी माफी भी मांग ली थी कि मैं समा चाहता हूं आपके टच होकर, लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ मारपीट की गई। उसके बाद जब उन्होंने पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसके घर में घुसकर दो बाइक खड़ी थी उसको भी आग लगा दी। तो ये बड़ी घटना आपको बता दें, इस पूरी घटना को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। इधर आपको बता दें कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर को जो मामला चल रहा है वो लगातार अभी भी जारी है और इस मामले में आपको बता दें कि जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। पांचवी बड़ी घटना आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने तमाम राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उनको लड़ने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों के अंदर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के आम चुनाव होने हैं। इन तमाम राज्यों के अंदर बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी।